हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नोटिफिकेशन गुरु में। फ्रेंड्स, आज के इस नोटिफिकेशन में हम आपको बताने वाले हैं सिस्टम ऑफिसर की वैकेंसी के बारे में। बॉम्बे हाईकोर्ट ने जारी कर दिया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन सिस्टम ऑफिसर के पदों पर भर्ती का। तो इस वैकेंसी के बारे में आज आपको देंगे सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप, साथ ही आपको दिखाएंगे बॉम्बे हाईकोर्ट के द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आप समझ पाए इसकी पूरी जानकारी को और भर सके इस फॉर्म को। वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ साथ ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसका लाभ उठा सकें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा आई हुई हर वैकेंसी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले और आप उसका लाभ उठा सकें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और हम बताते हैं आपको इसकी पूरी डिटेल्स। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेशन मोड की। तो फ्रेंड्स, इसका जो एप्लीकेशन मोड है वो आपका ऑनलाइन है। इसके लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना होगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। बात कर लेते हैं इसके डेट्स की। तो इसका जो स्टार्टिंग डेट है वो आपका 30 सितंबर 2019 है, यानी कि 30 सितंबर के बाद आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और इसकी जो एंड डेट है वो 21 अक्टूबर है। 21 अक्टूबर के बाद आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते। तो इसकी आखिरी डेट 21 अक्टूबर को याद रखिए और जल्दी से इस फॉर्म को फिलअप कीजिए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें और वो भी इस फॉर्म को भर सकें। तो फ्रेंड्स, ऐसे कैंडिडेट्स जो कि इंडियन कैंडिडेट्स हैं वही कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई हैं, यानी कि अगर आप इंडियन सिटीज़न नहीं हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसके वैकेंसी के डिटेल्स की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट में दो तरह की वैकेंसी हैं। पहला वैकेंसी है आपका सीनियर सिस्टम ऑफिसर का, जिसमें कि 38 पोस्ट हैं, यानी कि सीनियर सिस्टम ऑफिसर की पोस्ट के लिए 38 सीटें हैं जिसके लिए आवेदन आया हुआ है ऑफिशियली। वहीं दूसरा वैकेंसी है वो है आपका सिस्टम ऑफिसर का, जिसमें आपका 127 पोस्ट है। दोनों ही वैकेंसी सिस्टम ऑफिसर की है, बट दोनों की सैलरीज में डिफरेंट है, एक सीनियर का है और एक नॉर्मल का है। तो इसके लिए टोटल नंबर वैकेंसी आप देख सकते हैं 165 है। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही अच्छा मौका है कि ग्रेजुएट लोग उनके लिए जो एप्लीकेशन है ग्रेजुएशन के लिए वो 165 है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इसके पे स्केल की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो पे स्केल है सीनियर सिस्टम ऑफिसर का, उनकी जो सैलरी होगी वो होगी 46,000 पर मंथ। वहीं सिस्टम ऑफिसर की जो वैकेंसी है उसके लिए जो पे स्केल होगी वो है 40,000 रुपये पर मंथ। वहीं इसके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है, ज़ीरो एप्लीकेशन फ़ीस है। तो आप जाके ज़रूर इस फॉर्म को भरिए। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो एज लिमिट है मैक्सिमम एज लिमिट 40 साल है। वहीं कुछ कैंडिडेट्स के लिए एज में रिलेक्शन भी दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। एससी एसटी के लिए 5 साल का दिया हुआ है, वहीं ओबीसी के लिए 3 साल का दिया हुआ है। यानी कि एससी और एसटी कैंडिडेट्स 40 प्लस कर देंगे 5 ईयर्स, वो एससी एसटी के लिए हो जाएगा, और ओबीसी के लिए 40 प्लस 3 कर देंगे, यानी कि 43 साल के लोग ओबीसी के अप्लाई कर सकते हैं और 45 साल के लोग आपके एससी एसटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, जिनकी एज लिमिट 40 के पार है वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए बॉम्बे हाई कोर्ट का जो सीनियर सिस्टम ऑफिसर का और सिस्टम ऑफिसर का जो वैकेंसी है इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है बीई और बीटेक। यानी कि अगर आप बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी से आपने कंप्यूटर साइंस कर रखा है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। साथ ही अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ पढ़े हुए हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के साथ करें हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख लीजिए, एक बार आपको डिटेल्स में बता दें, बैचलर ऑफ़ इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ़ टेक्नोलॉजी से अगर आपने कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग किया है, साथ ही इसके अगेंस्ट में कोई भी इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है आपके पास, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इसमें मांगा हुआ है 5 ईयर का एक्सपीरियंस भी। अगर आप 5 ईयर के एक्सपीरियंस हैं अपने सर्टिफिकेट्स के साथ तो आप इस फॉर्म को एलिजिबल कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप डिग्री कर रखे हैं बी और बी टेक की कंप्यूटर साइंस में और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में, एमसीए भी अगर आपने किया है तो भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इसमें भी मांगा हुआ है आपका 5 ईयर का एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, या फिर आपने कर रखा है एमसीए, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन याद रखें 5 ईयर का एक्सपीरियंस आपको दोनों में मांगा हुआ है। वहीं बात करें तो अगर आपके पास मस्ट प्रोसेस एडिशनल सर्टिफिकेट है, लाइक आपने कर रखा है
MCSE माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेट सिस्टम इंजीनियरिंग अगर आपने कर रखा है, और RSCE रेड हैट सर्टिफिकेट इंजीनियरिंग और इक्वलेंट सर्टिफिकेट है आपके पास रेड हैट एंटरप्राइजेस लिनक्स का, तो भी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। तो फ्रेंड्स आप बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा होगा। तो फ्रेंड्स बॉम्बे हाई कोर्ट का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है एज पर नोटिफिकेशन, ये बेस है आपका इंटरव्यू के ऊपर, ठीक है। इसके अंदर जो आपका सिलेक्शन होगा वो आपका इंटरव्यू के ऊपर होगा, तो आपको इंटरव्यू की अच्छी खासी प्रिपरेशन करके जानी होगी, तभी आप ज्वाइन कर सकते हैं सिस्टम ऑफिसर की पोस्ट। वहीं बात करें अगर जॉब लोकेशन की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें आपका जॉब लोकेशन मुंबई महाराष्ट्र होगा। तो फ्रेंड्स ये भी बहुत अच्छा कैंडिडेट्स है कि महाराष्ट्र के कैंडिडेट्स मुंबई के अंदर वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो मुंबई महाराष्ट्र में आपका वर्किंग प्लेस होगा। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि कैसे अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ना होगा। नोटिफिकेशन गुरु हमेशा आपको गाइडेंस करता है कि आप जब भी कोई फॉर्म भरें तो सबसे पहले आप नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ें, इसीलिए हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम आपको दिखाएंगे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने जारी किया है। तो फ्रेंड्स इसका अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो फ्रेंड्स एक बार चलिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखते हैं जो कि आपको सिस्टम ऑफिसर और सीनियर सिस्टम ऑफिसर की वैकेंसी को समझने में मदद करेगा, और इस फॉर्म की सारी जानकारी आप वहां से ले सकते हैं। कुछ बेसिक डिटेल्स आपको ऑफिशियली नोटिफिकेशन में दिए जाते हैं जो कि हर कैंडिडेट्स के मन में सवाल होते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन बॉम्बे हाईकोर्ट का जो बॉम्बे हाईकोर्ट ने जारी किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं 38 पोस्ट जो है वो आपका सीनियर सिस्टम ऑफिसर के लिए है, और 127 पोस्ट जो है वो आपका सिस्टम ऑफिसर के लिए है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका कोर्ट्स के लिए अवेलेबल है जो कि स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के अंदर है, और ये वैकेंसी आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। अंडर द प्रोविजन ऑफ फोर्थ फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखा जाएगा, और आपका जो पीरियड होगा वो 12 मंथ्स का होगा एट द टाइम ऑफ जब आप ज्वाइन करेंगे। तो फ्रेंड्स इसके बाद आप देख सकते हैं इसका जो एप्लीकेशन का लिंक है वो आप जा सकते हैं bombayhighcourt.gov.in/bsc-admin पर जाकर के आप इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फ्रेंड्स वहीं देखिए इसकी लास्ट डेट जो एप्लीकेशन की वो यहाँ पे 21 अक्टूबर ऑफिशियली भी बताया हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी कैटेगरिया के अंदर आपको सारी डिटेल्स दी हुई है कि किस तरह के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था सीनियर सिस्टम ऑफिसर के लिए BE/BTECH की डिग्री चाहिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, और इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में। अगर आप इसके लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अंदर नंबर ऑफ वैकेंसी 38 होगी और सैलरी आपकी होगी 46,000 पर मंथ। वहीं अगली वैकेंसी है आप यहाँ पे देख सकते हैं सिस्टम ऑफिसर की, जिसमें भी आपका BE/BTECH मांगा हुआ इन कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग के अंदर, और इसके अगेंस्ट में इक्वलेंट कोई सर्टिफिकेट है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अगर आपके पास डिग्री है MCA भी अगर आपने कर रखा है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और उसके बाद अगर आपके पास MCSE है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेट सिस्टम इंजीनियर के द्वारा मिलता है। और अगली वैकेंसी RSCE है तो भी आप इस फॉर्म को एलिजिबल कर सकते हैं, और रेड हैट एंटरप्राइज के लिनक्स के द्वारा भी आपके पास सर्टिफिकेट है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए इसमें आपकी 40,000 पर मंथ सैलरी होगी, और पहली वैकेंसी में आपकी कितनी होगी 46,000 पर मंथ सैलरी होगी। तो फ्रेंड्स दोनों में ही सेम क्वालिफिकेशन के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहां पे सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दी गई है, आप इस फॉर्म को एलिजिबल कर सकते हैं। तो ये देखिए ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था रजिस्ट्रेटर जनरल हाईकोर्ट ऑफ बॉम्बे के द्वारा। तो फ्रेंड्स ये पूरी तरीके से ऑफिशियली नोटिफिकेशन है, और यहाँ पे देखिए कुछ रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बताई हुई है सिस्टम ऑफिसर और सीनियर सिस्टम ऑफिसर की क्या क्या होती है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को इस फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, इसको डाउनलोड करके आप पढ़िए और सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी इस फॉर्म को भर सकें और वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो फ्रेंड्स इस पोस्ट के रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका रिप्लाई दे देंगे। तो फ्रेंड्स अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मैं फिर मिलूँगा इसी तरह की वैकेंसी के साथ। अभी के लिए गुड बाय।